फिफ्थ एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये अपन ने क्या किया था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म को इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करते हैं। क्या स्टडी करेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म को अपन इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म इक्विवेलेंट नंबर, ओके एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इक्विवेलेंट नंबर। सबसे पहले अपन सबसे जो स्मॉल डिजिट है उसकी अपन बात करते हैं। 400 प्लस 220 प्लस 3, ये अपने पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। अब अपन इसे इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे, अपने को लेफ्ट साइड की वन फर्स्ट डिजिट देखनी है, तो लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट क्या है 4। फिर अपने को देखना है सेकंड डिजिट में लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट क्या है 2। थर्ड देखो, थर्ड में वन ही डिजिट है तो इसको अपन एजिट जैसे कैसे राइट कर देंगे। आर यू अंडरस्टूड एक्सपेंडेड फॉर्म को अपन ने इक्विवेलेंट भी कैसे चेंज किया कि इसका जो जीरो था उसे अपन ने हटा दिया। क्या किया, जीरो को यहां से हटा दिया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल 2000 प्लस 8000 प्लस 200 प्लस 7, ये क्या, ये कौन सी फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अपन इसे इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट कौन सी है 2, उसके बाद में जो है डिजिट है वो क्या है 0 है, तो 0 को अपन राइट नहीं करेंगे, तो अपन राइट क्या करेंगे ओनली लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट, तो लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट क्या है 2। ओके फिर देखो सेकंड, इधर देखो लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट कौन सी है, स्पीक करो 8, वेरी गुड, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 8, उसके बाद में जो भी है वो क्या है 0 है, तो 0 को अपन राइट नहीं करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट 200 में फर्स्ट डिजिट क्या है 2, उसके आगे क्या है 0 है, तो उसको अपन राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो 7 को अपन एजिट जैसे कैसे राइट कर देंगे। ओके ये अपन ने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म को इक्विवेलेंट में चेंज किया। वन मोर एग्जांपल 4000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 0। ओके अब देखो इस साइड की देखो फर्स्ट डिजिट कौन सी है, लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट कौन सी है 4, फिर नेक्स्ट लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट कौन सी है 8, फिर नेक्स्ट देखो लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट कौन सी है 9। ओके फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ओनली वन डिजिट है, वन डिजिट क्या है 0, लास्ट वाली जो डिजिट होती है जिसमें सिंगल नंबर होता है तो वो चाहे 0 हो या फिर 1 हो या फिर 9 हो, 0 से 9 तक
कोई भी डिजिट होगी उसे अपन एज इट इज ऐसे कैसे राइट कर देंगे। ऐसे नहीं करना है कि जैसे मैम ने बोला है कि जीरो को अपने को हटा देना है, तो इस जीरो को अपन यहाँ पे राइट नहीं करेंगे कि मैम ने तो जीरो को हटाने के लिए बोला है। लेकिन बेटा लास्ट डिजिट के अंदर अगर जीरो आता है, जहाँ पे सिंगल नंबर होता है वहां पे अगर जीरो आता है तो अपन उसे राइट करेंगे, अपन इसको नहीं हटा सकते। इसलिए लास्ट डिजिट में जो सिंगल नंबर होता है ओनली, देखो यहाँ पे ओनली सिंगल नंबर 7 है, यहाँ पे सिंगल नंबर 3 है, तो अपन ऐसे राइट किया। अब 3 7 इनकी जगह अब क्या आया है, जीरो आया है, तो अपन जीरो को ऐसे कैसे राइट कर देंगे। ओके नेक्स्ट देखो 8 0 0 0 0 यस 7 0 0 0 ओके नेक्स्ट 0 0 0 फॉर 0+8 इसको अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो देखो फर्स्ट वाली लेफ्ट साइड की जो है, लेफ्ट साइड की अपनी फर्स्ट वाली डिजिट क्या है 8, अपन क्या राइट करेंगे यहाँ पे 8। फिर देखो नेक्स्ट डिजिट में फर्स्ट वाली डिजिट कौन सी है 7, तो यहाँ पे अपन क्या राइट करेंगे 7। फिर देखो नेक्स्ट, अब इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि मैम ने बोला था कि जीरो को तो अपने को हटा देना है, बट अगर फर्स्ट डिजिट में ही जीरो आ जाता है, क्या अगर फर्स्ट में ही जीरो आ जाता है तो उसे अपन नहीं हटाएंगे, उस जीरो को अपन एज इट इज जैसे कैसे राइट कर देंगे। अगर जीरो किसी नंबर के बाद में आता है तो उस जीरो को अपन हटा देते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट वाला नंबर ही जीरो हो तो उसे अपन ऐसे की ऐसे राइट कर देंगे। ओके नेक्स्ट देखो फर्स्ट डिजिट फॉर नेक्स्ट 8, ओके अगर किसी नंबर के बाद में आप ये ओनली फॉर इतनी सी बात ध्यान में रखना कि अगर किसी नंबर के बाद में जीरो आता है तो उसे अपन उन जीरो को अपन हटा देते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग का जो नंबर है वो ही जीरो आ गया तो अपन उस जीरो को तो राइट करेंगे और उसके बाद में जितने भी जीरो है उनको अपन हटा देंगे। ओके आर यू अंडरस्टूड? तो आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म को इक्विवेलेंट में चेंज करना आ गया होगा ना। अब आप इजीली अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कल अपन ने देखा था असेंडिंग ऑर्डर और आज अपन स्टडी करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल से जो कैपिटल वाली डिजिट होती है उसे क्या अपन क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखो असेंडिंग ऑर्डर, ओके असेंडिंग ऑर्डर का वन एग्जांपल अपन लेते हैं 4 6 8 9 12, ये अपन ने असेंडिंग ऑर्डर की ऑर्डर का वन एग्जांपल लिया। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉल से कैपिटल। तो देखो इन सभी नंबर्स में देखो सबसे स्मॉल वाली डिजिट कौन सी है, टेल मी आंसर, सबसे स्मॉल वाली डिजिट कौन सी है 4 6 8 9 12 कौन सी है 4, सबसे स्मॉल वाली कौन सी है 4। फिर देखो इससे कैपिटल वाली देखो कौन सी है 6 8 9 12 कौन सी है 6। फिर 6 से जो कैपिटल आती, 6 से कैपिटल वाली डिजिट कौन सी है 8। उसके बाद में इससे कैपिटल वाली डिजिट कौन सी है 9। इससे कैपिटल कौन सी है 12। ओके तो 4 6 8 9 12 अपन ने क्या किया, स्मॉल से जो है कैपिटल 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 राइट करते गए, तो इसे अपन क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ओके अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं, किसे करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग, ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसे करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, सबसे जो कैपिटल वाली डिजिट आएगी
असेंडिंग में स्मॉल से कैपिटल और डिसेंडिंग में कैपिटल से स्मॉल, बड़े से छोटा छोटा छोटा, ऐसे करना है ठीक है। अभी देखो सबसे अपन कैपिटल वाले डिजिट लेते हैं तो क्या है यहाँ पे कैपिटल वाली 12 है, फिर देखो इससे स्मॉल वाले देखो तो क्या है 9, फिर इससे स्मॉल वाले क्या है 8, फिर इससे स्मॉल वाले क्या है 6 और इससे स्मॉल वाली 4। क्या किया अपन ने डिसेंडिंग में, कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल, ओके। तो अगर इससे बड़े डिजिट भी अगर आपके पास होंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो ना, ओके। तो फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 4217, ओके 8214 3214 यस 8921। अब अपने को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में से राइट करना है, मींस कैपिटल से स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो अब अपने को इन डिजिट्स में कौन सी डिजिट्स निकालनी है जो सबसे कैपिटल हो, तो उसका अपन कैसे पता करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन डिजिट्स के नंबर देखते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 कितने हैं इसमें 4, 1 2 3 4 कितने हैं यहाँ पे 4, फिर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट है तो इनमें सब में कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, कितने हैं 4 नंबर है। अब ये तो इक्वल हो गया तो यहाँ से तो अपन पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सी स्मॉल और कौन सी कैपिटल है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, अपन जो है इनकी फर्स्ट वाली डिजिट देखेंगे, कौन सी देखेंगे फर्स्ट वाली डिजिट, फर्स्ट वाला नंबर। तो देखो इस डिजिट में फर्स्ट वाला नंबर क्या है 4, क्या है बेटा 4, फिर क्या है 8, फिर क्या है 3, फिर क्या है 8। अपने को ये तो पता लग गया फर्स्ट वाला जब नंबर देखा कि जो है इनमें सबसे फर्स्ट वाले नंबर अगर देखे तो इनमें सबसे जो कैपिटल नंबर है वो कौन सा है 8, बट 8 भी 2 आ गए, 2 टाइम 8 आ गए, इसलिए अपन इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा कैपिटल है। अपने को ये तो पता लग गया कि इन दोनों से कैपिटल ये दोनों है, बट इन दोनों में अपन कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो नंबर है वो क्या आ गया 8 आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले स्टेप लगाएंगे। थर्ड वाले स्टेप क्या है, अगर इक्वल नंबर आ जाता है, फर्स्ट वाला जो नंबर अगर इक्वल आ जाता है तो अपन क्या करते हैं नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर सेकंड वाला नंबर देखते हैं, ओके। तो सेकंड वाला नंबर देखेंगे तो इसमें सेकंड नंबर 2 है और इसमें कितने हैं 9 है, कितने हैं बेटा 9 है। तो अब बताओ मुझे 2 कैपिटल होता है या फिर 9 कैपिटल होता है, टेल मी आंसर प्लीज, 9 कौन सा होता है 9। इसलिए अपने को अब कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों में जो है कैपिटल डिजिट कौन सी है, ये वाली 8921। तो सबसे फर्स्ट में अपन कौन सा राइट करेंगे 8921, ओके। नेक्स्ट देखो फिर इससे स्मॉल वाली डिजिट कौन सी है, तो अपने को पता है फर्स्ट वाला जब नंबर देखा था तो इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, तो सबसे इनमें सबसे कैपिटल वाली कौन सी है 8 वाली है। तो अपन और 8 वाली जो है इनसे कैपिटल है बट इनसे क्या है स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 8214, ओके। नेक्स्ट देखो अब देखना है कि इससे स्मॉल वाली डिजिट कौन सी है, क्या देखना है इससे स्मॉल वाले डिजिट कौन सी है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों में देखना है कि जो है कैपिटल कौन सा है, यहां से तो अपन कैपिटल देखेंगे और यहां से क्या देखेंगे, यहां पे क्या राइट करेंगे स्मॉल, ठीक है। तो अपन देखो कि इन दोनों में जो है कैपिटल कौन सी है, तो फर्स्ट वाला नंबर अपन ने देखा था तो इसमें 3 है और इसमें क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो अपन इन दोनों में जो है कैपिटल कौन सा है
फोर वाली डिजिट, कौन सी? फोर वाली डिजिट। तो देखो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, 4217, क्या राइट करेंगे? 4217। अब लास्ट में जो बची हुई है उस डिजिट को अपन एच डी टी जैसे कैसे राइट कर देंगे। ओके, तो देखो कैसे किया अपन ने, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ओके, अगर यही असेंडिंग ऑर्डर में होता तो कैसे राइट करते, इसको अपन यहां राइट करते स्मॉल कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ओके, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने को देखना है टू डिजिट में कंपैरिजन करना है कि कौन सी डिजिट कैपिटल है और कौन सी स्मॉल है और कौन सी इक्वल है। सॉरी, क्या करना है अपने को बेटा, डिजिट्स में देखना है, टू डिजिट्स में कंपैरिजन करना है कि कौन सी स्मॉल है, कौन सी कैपिटल है और कौन सी इक्वल है। ओके, तो मैं यहाँ पे थ्री एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। 4215 ये ब्लैंक, 4271 ओके, 8921 यस, 4289 41 यस, 7405 7405। अब इनको कैसे, अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा कैपिटल है, कौन सी डिजिट स्मॉल है? अपने को क्या करना है इनमें, ये इन दोनों में कंपैरिजन करके ये वाले जो सिंबल्स है ये क्या करने हैं, इनमें फिल करने हैं। क्या करने हैं बेटा? फिल करने हैं। तो चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट वाले में देखते हैं कि कौन इन दोनों डिजिट्स का क्या करते हैं अपन, कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सी स्मॉल है और कौन सी कैपिटल है। तो वही जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट वाले स्टेप को फॉलो करो, नंबर काउंट करो कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 कितने नंबर हैं, 4 1 2 3 4 इसमें कितने नंबर हैं, 4 दोनों में 4 है। यहाँ पे अपन पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी स्मॉल है और कौन सी कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, दोनों में अपने को क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर देखना है। तो देखो फर्स्ट वाला नंबर इसमें क्या है, 4 और इसमें भी क्या है, 4। मैम अपन मैं यहाँ भी पता नहीं कर पा रहा हूँ कि दोनों में जो है कैपिटल कौन सी है। थर्ड वाली स्टेप फॉलो करो, थर्ड वाली स्टेप क्या थी कि नेक्स्ट वाला नंबर देखो। तो नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं 2 2, ये भी दोनों इक्वल है। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि मैम ये भी दोनों इक्वल है, अब कैसे पता करें। फिर थर्ड वाली स्टेप, अब थर्ड वाले जो नंबर को देखो कि कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल है, तो फर्स्ट सेकंड तो दोनों में क्या था, इक्वल था, और उनके नंबर काउंट किए तो वो भी क्या थे, इक्वल थे। अब अपने को क्या करना है, थर्ड वाला नंबर देखना है। तो ये क्या है, थर्ड नंबर 1 और इसमें थर्ड नंबर क्या है, 7। तो आप मुझे बताओ 1 कैपिटल होता है या फिर 7 होता है, 7, वेरी गुड। तो अपने को क्या करना है, अब 7 कैपिटल होता है, तो अब अपने को पता लग चुका है कि दोनों डिजिट्स में जो है कैपिटल वाली डिजिट कौन सी है। तो आपको पता लगा कि 1 जो है स्मॉल था, 7 क्या था, कैपिटल था। तो ये वाली डिजिट क्या है, कैपिटल है। जहां पे कैपिटल आता है उसको अपन क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, और जहां पे स्मॉल आता है तो उसको अपन क्लोज कर देते हैं। कैपिटल वाली को ओपन और स्मॉल वाली को क्लोज कर दिया। यस, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, वही फर्स्ट वाली स्टेप फॉलो करो कि नंबर काउंट करो कि कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हैं दोनों में, 4 है। तो अपन पता नहीं कर पा रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप, दोनों में फर्स्ट नंबर को देखो, 1 8 8 दोनों का फर्स्ट नंबर क्या है, 8 8। फिर
सेकंड नंबर देखो, नाइन नाइन, दोनों में क्या है, इक्वल है, नाइन नाइन, यहां भी अपने को पता नहीं लग पाया है। फिर अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले नंबर को देखेंगे, थर्ड वाला नंबर इसमें क्या है, टू है और इसमें क्या है, फोर है। तो आप सभी जानते हैं टू और फोर में कैपिटल कौन सा होता है, फोर वाला होता है, कौन सा होता है, फोर वाला होता है। तो कैपिटल वाली डिजिट कौन सी है, ये वाली, कौन सी, ये वाली। तो इसको अपन ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, स्मॉल वाली को क्लोज कर देंगे। ओके, अब देखो थर्ड वाली डिजिट, थर्ड वाला जो क्वेश्चन, उसमें देखो फर्स्ट, पहले तो नंबर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, दोनों में फोर फोर है, नहीं पता कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो, फर्स्ट नंबर देखो सेवन सेवन, यहाँ भी पता नहीं लगा। फिर सेकंड नंबर देखो फोर फोर, यहाँ भी पता नहीं लगा, क्योंकि जहाँ इक्वल आ जाता है वहाँ अपन पता नहीं कर पाते कि कौन सी कैपिटल और कौन सी स्मॉल है। फिर थर्ड नंबर देखो एट जीरो, ये अब थर्ड नंबर में अपने को पता लग गया कि एट और जीरो में कैपिटल कौन सा होता है, एट। तो कौन सी डिजिट कैपिटल है, ये वाली। तो कैपिटल को ओपन कर देंगे और स्मॉल को क्लोज कर देंगे। एग्जाम्पल फॉर एट टू वन जीरो, एट टू वन जीरो, यहां तो अपन इजीली पता कर सकते हैं कि ये कैपिटल है, स्मॉल है या फिर इक्वल है। तो देखो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर इक्वल है। फिर फर्स्ट नंबर देखो एट एट, ये भी इक्वल है। फिर सेकंड देखो टू टू, ये भी इक्वल है। फिर थर्ड देखो वन वन, ये भी बिल्कुल इक्वल है। लास्ट नंबर जीरो जीरो, ये भी इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो दोनों डिजिट है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो अपन यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे, इक्वल वाला सिंबल लगाएंगे। ओके, आर यू अंडरस्टूड, ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।